Assalamu alaikum everyone, this is Hania Amir. You don't want to miss the biggest night of the year on the 28th of September at OVO Arena Wembley. I'll be there performing live and you know what? I'm nominated too, so it's gonna be pretty fun. So stop whatever you're doing and get your tickets right now at www.hum.tv. Trust me, it's gonna be an unforgettable night full of fun, music and surprises. Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards at the OVO Arena Wembley on Saturday, 28th September 2024. Book your tickets now. www.hum.tv www.axs.com/UK. See you there. क्यों? अफान तुम्हारी हिमायत में घर में सबसे लड़कर नहीं बैठ जाता, तुम्हारे लिए अपने सारे काम नहीं छोड़ देता, तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना, यहाँ तक घर में स्टूडियो तुम्हारे लिए बनवाना, उसका दिन भी तुमसे शुरू होता है और खत्म भी तुम ही पर होता है। तमाशा तुमने शुरू किया तो इसे खत्म भी तुम करोगे। सिद्रा को फोन करो और उससे कहो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, और वैसे भी मोहब्बत कोई बार बार करने की शय नहीं है, मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, जो कि मैं महरूज से कर चुकी हूं और तुम किसी और से। नए रिश्ते बनाने से बेहतर है कि जो रिश्ते हम बना चुके हैं उनके साथ मुखलिस रहे। एनी, हिम्मत तो देखें बाजी इसकी, अभी कल ही बात हुई है और आज फिर कॉलेज गर्ल बन के चल पड़ी। ये सब घर से निकलने के बहाने हैं। वापस जाओ अपने कमरे में, आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। मेरा आज कॉलेज आना बहुत जरूरी है क्योंकि आज मैंने पेंटिंग भी सबमिट करवानी है और फिर मेरा सामान वो सारा महरीन के पास है और मेरा मोबाइल भी उसके पास है, इसलिए आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। अपने ये ड्रामे कहीं और जाकर करना, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तुमने ये सब अफान को वहां बुलाने के लिए किया था। ताकि मजलूम बनकर तुम अफान से वो ऐलान करवा सको जो उसने कर दिया। ये क्या बातें कर रहे हैं आप, जबकि मैं सारी बातें कल बता चुकी हूँ, उसके बावजूद भी फिर से इल्जाम लगाए जा रहे। मेरा अफान से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको लगता है तो भले आप सिद्रा से रिश्ता कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आए हाय, तो क्या घर के फैसले अब तुम करोगी? समझती क्या हो अपने आपको? मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? महरोज बेशक इस दुनिया से चले गए लेकिन मैं उनके बच्चे की मां हूं और मुझसे इस घर की, इस खानदान की बहू होने का हक कोई भी नहीं छीन सकता, यहां तक कि आप भी नहीं। अरे बड़ी बहू हो तो बड़ी बहू ही बन के रहो, बच्चे की मां हो, सबकी मां बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अफान की शादी आयमा से ही होगी, क्यों बाजी? मम्मी मैंने कहा ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप अफान की शादी आयमा से कराएं या फिर किसी और से, मुझे क्या फर्क पड़ता है। खैर मुझे देर हो रही है, फौजी उमर के साथ गाड़ी में इंतजार करिए, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। पाची पाची, देखा आपने, देखा आपने कि इसकी कितनी हिम्मत हो गई है। आप मौजूद है, आपके सामने मुझे इतना जलील करके चली गई, इसे तो आपका भी खौफ नहीं है। पाजी, पाजी मुझे तो लग रहा है कि इनकी कोई मिली भगत है, कोई प्लानिंग करके बैठे हैं ये। हाँ
अफान लगता है सिद्रा से शादी करना चाहता है। वो एनी का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। हाय बाजी, बाजी मेरी आयमा का क्या होगा बाजी? कुरुतुलैन, आपको अंदाजा है कल आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से सर जमील को कितनी परेशानी उठानी पड़ी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैम, और मैं सर जमील से भी माजरत कर चुकी हूँ। पर इल्जाम तो हम पर आया ना कि हम गैर जिम्मेदार हैं। हालांकि हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, पुलिस को भी इतला दी, लेकिन आप वहाँ थी नहीं। हम तो खुद इनको तलाश करते रहे। वो तो जब इन्होंने इन्फॉर्म किया कि ये साथ खैरियत से घर पहुंच गई, उसके बाद ही हम फिर घर वापस लौटे। लेकिन सवाल तो ये है कि आप टीचर को इन्फॉर्म किए बगैर गई कहाँ? मैं तो बस बीच साइड पे वॉक करने के लिए गई थी। बस खराब हुई, मुझे लगा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं वापस आई तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। मैडम फाकर ने भी मुझे फोन करके बहुत बातें सुनाई। मम्मी ने? मैडम फाकर इस कॉलेज की डोनर है। मैडम मैं उनसे भी सॉरी कर चुका हूँ और रिटर्न में भी अपोलोजाइज कर लूंगा, और ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं होगी। ठीक है कुरतुलैन, आप जाएं और आइंदा आप भी एहतियात कीजिएगा। जी, थैंक यू। इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहता हूँ एनी, मैंने आपसे कहा ना, और आज इन सब के सामने कह रहा हूं, मैं इज्जत के साथ आपसे निकाह करना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी अफान, मैं जानती हूँ कि अब तुम्हें सिद्रा से मोहब्बत नहीं रही, और शायद मेरा दिल भी तुम्हारे लिए धड़कता है, मगर मैं ये फैसला नहीं ले सकती। शायद जमाने का सामना करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, और सच बताऊं तो ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, इसलिए तुम्हें हर हाल में सिद्रा से शादी करनी होगी। तुम यहां बैठे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूं। मुझे ही बताओ कल तुम कहां चली गई थी? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गई थी तुम्हें बस में ना देख के। हाँ, पानी देखकर मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, और बेख्याली में आगे निकल गई। पता है, नेहरोज को समंदर बहुत पसंद था, और जब भी मैं समंदर देखती हूँ ना तो मुझे नेहरोज की याद आती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शुक्र करो तुम खैर खैरियत से घर आ गई। तुम्हारी जब रात को कॉल आई ना, तब मेरी जान में जान आई। तब परेशान हो गई थी मैं तुम्हारी वजह से। बच के वापस आ गई हूँ ना, खैर मनाओ। ऐसे ही बताओ, हीरो साहब कैसे हैं? तुम्हारी जान बचाते बचाते बहुत जख्मी हुए हैं वो। ठीक है वो भी, उसे क्या होना है? बहुत बेकरार था, बहुत बेचैनी से उसने कल मुझसे पूछा कि तुम कहाँ में सो गई। अपनी जिम्मेदारी निभाना उसे खूब आता है। ये जिम्मेदारियां हैं या फिर चोर? महरीन, तुम हर वक्त फजूल बातें क्यों करती हो? मत किया करो, मेरा वो छोटा देवर है। हाँ, अगर शौहर छोड़ दे या शौहर ना रहे तो देवर से निकाह करना जायज है। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। तुमने क्या किसी मौलवी से फतवा लिया है? बिना वजह कुछ भी बोल देती हो। तुम्हारे लिए ले भी सकती हूँ। देखो वैसे मैंने कोई गलत बात नहीं की, और इस्लाम भी मना नहीं करता इस चीज से। तुम्हें पता है जब मेरी खालू की डेथ हो गई थी ना,
तो मेरी खाला की शादी उनके जेठ से करवाई थी और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तौबा ऐ महरी, तुम तो बहुत ही दिमाग खाती हो। याद रखना, तुम्हारी इन फजूल बातों का ना मुझ पर कोई असर नहीं होगा, और इसीलिए मैं सिद्रा की शादी अफान के साथ करवा रही हूँ, ताकि मेरी जान छूट जाए। क्या कहा तुमने एनी? एनी मेरी बात तो सुनो। एनी, मम्मी इस कॉलेज की डोनर है। वो चाहती ना तो तुम्हें इस कॉलेज से निकलवा भी सकती थी। ख्वाहिश तो उनकी यही हुई, लेकिन अफान के होते हुए वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे सर जमील बहुत इंप्रेस हैं तुमसे, तुम्हारी सास इस कॉलेज की डोनर जो हैं। चलो चलते हैं। तो इसलिए आपको बाहर आने की जल्दी थी। फजूल बातें मत क्या करो, पता नहीं मुनव्वर क्यों नहीं आया। अरे दूसरा स्मार्ट ड्राइवर लेने तो आया है, देख रही हो जख्मी होने के बाद भी तुम्हें पिक करने आया है, ये होती है कमिटमेंट। अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरी तो वैन आ गई, ठीक है बाय। चले। मुनव्वर क्यों नहीं आया? उसकी वालदा की फिर से तबीयत खराब हो गई है, वो छुट्टियों पे चला गया। उसकी वालदा की तबीयत वाकई खराब है या तुम खराब कर देते हो? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मम्मी से पूछे गया छुट्टी पे, अगर आप चाहें तो मम्मी को कॉल करके पूछ लें। और तुम यहाँ इस हालत में क्यों आए हो? मैं चली जाऊंगी। रुकिए एनी, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, और मेरी कंडीशन इतनी खराब भी नहीं है, और वैसे भी मुझे शफीक अंकल से मुलाकात भी करनी है और आपसे कुछ बात भी। ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है और ना ही तुम्हारे साथ जाना है, और खुदा के लिए मुझे इस अजाब में मत घसीटो। और जिस अजाब में मैं गुजर रहा हूँ उसका क्या, उसकी फिक्र नहीं है आपको? देखें, या तो आप मुझे कायल कर लें या खुद कायल हो जाए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। चलिए गाड़ी में चल के बैठे प्लीज। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये बात सोची भी कैसे। अगर तुम्हारे दिल के किसी कोने में ये बात है ना, तो सिर निकाल के बाहर फेंक दो। मेरे दिल के किसी कोने नहीं, बल्कि पूरे दिल में आप चढ़ चुके हैं। अच्छा, तो इतनी जल्दी सिद्रा को निकाल के बाहर फेंक दिया? इसका जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। तो फिर मुझे निकाल के बाहर कब फेंकोगे? कभी नहीं, पसंद कम हो सकती है, मोहब्बत को कभी सवाल नहीं होता। कितनी अजीब बात है, मर्द की मोहब्बत और वफाएं कितनी जल्दी बदल जाती हैं। लेकिन आपके लिए मेरी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। क्या मैं तुम्हारी जिद बन चुकी हूँ? जिद? आप मेरी मोहब्बत को जिद कह रही हैं? तो फिर ये सब क्या है? एक बात मैं तुम्हें बार बार समझा चुकी हूँ और तुम जिद पे अड़े हुए, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? एनी, मैं पूरी सच्चाई से आपको अपनाना चाहता हूँ, आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करती? हाँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में महरूस के अलावा किसी की गुंजाइश नहीं है। अफान, अफान
आखिर बाबा ने ऐसी क्या बात करनी है अफान से जो उसे बुलवाया है? पता नहीं, कह रहे थे कोई जरूरी बात करनी है और वो मुझे लेने के लिए कॉलेज पहुंच गया और मुनव्वर ने फिर से छुट्टी कर ली है, इसलिए मुझे उसके साथ आना पड़ा। क्या तुम उसके साथ आई हो? और क्या करती फिर मैं? क्या वाकई अफान राजी है? दिमाग खराब हो गया है अम्मी उसका, ठीक ठाक सुनाई है मैंने उसे और मैंने कहा कि आइंदा आइंदा इस तरह की बातें ना सुनूं मैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबा को कौन सी बात करनी है उससे। देखो यानी अफान इतना अच्छा लड़का है, अगर वो खुद राजी है तो तुम्हें इस पे क्या एतराज है? तो फिर आपका मतलब है कि मैं उसे हाँ कह दूं? मतलब आप भी यही चाहती हैं? हाँ तो इसमें क्या बुराई है? अगर तुम बेवा हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी से शादी नहीं कर सकती। और उम्र ही क्या है तुम्हारी, पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, अकेले कैसे गुजारोगी? किसी से तो शादी करनी पड़ेगी ना, तो अफान से कर लो। अम्मी आपसे किसने कह दिया कि मैं शादी करूंगी? अगर एक औरत बेवा हो गई है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो शादी पे शादी करती जाए। मैं अपनी अकेली जिंदगी गुजार सकती हूँ। ये बात कहने में अच्छी लगती है लेकिन जब जिंदगी की धूप छांव का सामना होता है ना तो एहसास होता है कि ना ही बीवी शौहर के बगैर रह सकती है ना ही शौहर बीवी के बगैर रह सकता है। इसी को ही घर गृहस्थी कहते हैं। जिसने जो कहना है ना वो कहते रहे, मुझे अब कोई शादी नहीं करनी। पागल मत बनो, हम तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देंगे। सिर्फ तुम्हें ही शौहर की नहीं, तुम्हारे बेटे को भी एक बाप की जरूरत है और चचा से बेहतर कौन बाप का रिश्ता निभा सकता है? उफ़ अम्मी, आप तो एक ही बात के पीछे पड़ गई हैं। मैं नहीं करना चाहती इस बारे में कोई बात। पहले आप जाके ये पता करें कि बाबा ने आखिर अफान को बुलाया क्यों, मुझे टेंशन हो रही है। तुम इस बात पर अपने घर वालों को राजी कर लोगे, खास तौर पे अपनी अम्मी को? अंकल आप फिक्र ना करें, मुझे पूरा यकीन है कि मम्मी को मैं राजी कर लूंगा। वो मुझसे ज्यादा दिन नाराज तो रह सकती हैं लेकिन मुझे इनकार नहीं कर सकती। एनी पहले ही तुम्हारे घर में बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही है और तुम्हारे इस फैसले के बाद उसकी मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूं अंकल, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा उनके साथ ऐसा ना हो। बहुत खिलंडरी बहुत हसमुख थी मेरी बेटी, तुम्हारे गलत फैसले की भेंट चढ़ गई। कभी भी एक घर में हमें दो बेटियां नहीं ब्यानी चाहिए थी। बहुत बड़ा धोखा खाया हमने उसने, मगर फिर भी वो सारा कुछ समझते बूझते हुए उसने अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा, उसके साथ खड़ी रही आखिरी वक्त तक। कोई और बच्ची होती उसकी जगह पर तो वो रिश्ता तोड़कर मैके वापस चली आ, लेकिन हमारे घर वालों को अभी तक इस बात का कोई एहसास ही नहीं। अंकल माजी की गलतियों को बदल तो नहीं सकते लेकिन मुस्तकबिल तो बेहतर किया जा सकता है। आप मुझ पर ट्रस्ट करें अंकल, मैं एनी को वापस उसकी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। अफान मियां, जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें अपना ये फैसला एक गलती तो नहीं लगेगा? हरगिज नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं कि पीछे हट जाऊं। तुमने एनी से इस बारे में बात की है? की है अंकल, लेकिन एनी राजी नहीं है। अगर वो राजी नहीं है बेटा तो फिर इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। हालात ने एकदम उसे बहुत बड़ा कर दिया है, अपने लिए वो जो भी फैसला करेगी वही ठीक होगा। अगर चाहो तो तुम उसे समझाने की कोशिश कर सकते हो। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है और मैं तो कतई उनको नहीं समझा सकता। तो फिर बेटा बेहतर यही होगा कि इंतजार करो, वक्त दो उसे और इंशाल्लाह अल्लाह तुम दोनों के लिए कोई बेहतर फैसला करेगा। अम्मी और बाबा दोनों ही बैठे हैं और इन दोनों के सामने मैं तुम्हें आसान लफ्जों में इनकार कर रही हूं और मैं चाहती हूं कि इस बारे में दोबारा कोई बात ना हो।
जल्दबाजी मत करो बेटा। मैं बात कर चुका हूं और अफान ने कहा है कि वो राजी कर लेगा अपनी अम्मी को। असल बात तो तुम्हारी रजामंदी की। बाबा अगर वो बात कर भी लेता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े? एक इंसान सिद्रा को पसंद करता है और मैं बीच में आ जाऊं? बल्कि मैं तो कोशिश कर रही हूं कि जल्द से जल्द मैं सिद्रा से बात करूं और इन दोनों के मामले को हल करूं, ताकि मैं इस बीच में से निकलूं। ये क्या कह रही हैं आप? यहां मैं आपसे शादी की बात कर रहा हूं और आप सिद्रा का जिक्र कर रही हैं। मैं मानता हूं कि अभी आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिद्रा को बुला के मेरा तमाशा बनाएं। मैं जा रहा हूं। आपके पास वक्त है सोचने का, फैसला करने का, और आप आजाद हैं अपना फैसला करने के लिए, और मैं भी। मुझे कुछ नहीं सोचना है। मेरी तरफ से इनकार था, है और रहेगा। मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज़। खुशनसीबी बार बार दरवाजे पे दस्तक नहीं देती, और अगर दरवाजा नहीं खुलता ना तो वो पलट जाया करती। आपको लगता है कि उसका प्रपोजल मेरे लिए खुशनसीबी है? तो और क्या, इतना पढ़ा लिखा खुश शक्ल खानदानी लड़का है, और क्या चाहिए तुम्हें? और सिद्रा को बीच में क्यों ला रही हो तुम, जब वो उसे अपनाना ही नहीं चाहता? आप दोनों को कितनी बार समझाऊं, मुझे शादी नहीं करनी, ना इससे ना किसी और से, किसी से भी नहीं। मैं अपनी जिंदगी में एक बार धोखा खा चुकी हूं, अब मजीद हिम्मत नहीं है मुझ में। बेटा तुम्हें क्या डर है कि कहीं फिर से? पता नहीं बाबा, ये सारी बातें तो नहीं जानती, लेकिन मैं एक बार रिश्ता बना के उसे खो चुकी हूं, और उसका डर मेरे दिल में अभी तक है। मैं फिर से कोई नया रिश्ता बना के वो दुख नहीं उठा सकती, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती बाबा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कैब मंगवा कर घर जा रही हूं। इतनी जिद्दी तो पहले कभी नहीं थी। ज़रीन, जिद वो नहीं, तुम कर रही हो। इसको थोड़ा वक्त दो, खुद फैसला करने दो, इस पर अपना फैसला मुसल्लत मत करो। पछताएगी ये जब इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। नवीद साहब, मैंने आपको ईमेल कर दिए, आप चेक कर लीजिए। थैंक यू। अच्छा हो तो मुझे यहां मिल गए। मैं तो तुम्हारे केबिन में ढूंढ रहा था। मम्मी कहाँ है? वो फैक्ट्री गई। क्या बात है? देखो शहरयार, भले हम लोग का रिश्ता भाइयों का है, लेकिन हम हमेशा से भाइयों से बढ़ के रहे हैं, इसीलिए मैं आज तुमसे मदद मांगने आया हूं। प्लीज मम्मी को समझाओ कि मेरी और एनी की शादी के लिए मान जाए। देखो अफान, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं, मम्मी कभी भी नहीं मानेंगी। और वैसे आज तुम्हें अपना काम पड़ा है तो तुम्हें ये भाइयों वाला रिश्ता, हमारी मोहब्बत याद आ गई है। उसके अलावा तुम कितनी बदतमीजी से बात करते हो मुझसे, डोंट यू रियलाइज दैट? देखो जहां जहां तुम गलत है, मैंने सिर्फ वहां टोका है,
ऐसा नहीं है कि खुदा ना खासा मैंने तुम्हें अपना दुश्मन मान लिया है, और तुम जानते हो रिश्ता निभाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। इसीलिए समझा रहा हूँ कि ये कदम मत उठाना वरना नुकसान उठाओगे। तुम्हारा दिमाग खराब करने वाली वो ऐनी है, इसे तुमसे कोई लगाव नहीं है, उसे सिर्फ प्रॉपर्टी और दौलत से मतलब है। एक बार तो वो मेहरोज भाई के जरिए बहुत कुछ हासिल कर चुकी है और अब बाकी के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। ऐनी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन एक बात बताओ, जो मम्मी से छुप के तुम प्रॉपर्टी और शेयर्स एमल भाभी के नाम कर रहे हो, उसको क्या समझो मैं? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। सबूत है मेरे पास, लेकिन मैं ये घटिया बात कभी नहीं करूंगा कि एमल भाभी आपकी दौलत के पीछे है, क्योंकि मैं मानता हूं शौहर की दौलत में बीवी का हक होता है, वही हक जो एनी को सबके सामने मिला छुप के नहीं। हाँ कर लो प्लान, पर यार शाम का करना, रात का नहीं करना। मैं कल भी बहुत लेट आई हूँ और अब मम्मा को पता चला ना तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। फरीहा जी, देखो फरीहा, मैं गैर नहीं हूँ कोई, तुम्हारी अपनी हूँ मैं, तुम्हारे मरने भाई की बीवी हूँ मैं। अगर मेरी जगह कोई और मुश्किल में होता तो तुम तब भी यही करती? लिसन, मुझे नहीं पता था कि आप वहां पर अकेली हैं, और मुझे लगा आप जिसके साथ आई हैं आप उसी के साथ जाएंगी, इसीलिए मैं वहां से चली गई थी। अच्छा, और अगर मुझे कुछ हो जाता या अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो क्या तब भी तुम यही करती? देखें, मैंने आपसे कहा ना, मुझे लगा आप अफान भाई के साथ हैं, डर गई थी इसीलिए मैं वहां से चली गई। ठीक है, अब मैं ये पूछ सकती हूँ कि वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम थी? मैं आपको इस बात की जवाबदेह नहीं हूँ, इट्स माय पर्सनल मैटर। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, और बड़े होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ अल्लाह ना करे कुछ गलत हो। देखें, मेरी बड़ी सिर्फ मेरी माँ है और कोई नहीं, और अगर आपको इतना ही शौक हो रहा है ये बात जानने का तो सुने, वो मेरा क्लासमेट था और हम दोनों दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और आइंदा प्लीज मुझसे इस टॉपिक पे बात मत कीजिएगा। थैंक यू। आफान, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम उस बेवा और एक बच्चे की मां में दिलचस्पी ले रहे हो। कमाल है। देखो, मुझे तुम्हें यकीन दिलाना भी नहीं है, तुम्हें जो समझना है समझ ही रहो। ऐसा क्या नजर आता है उसमें आफान, जबकि खुद उसने तुम्हें ठुकरा दिया? इसकी फिक्र तुम मत करो, आज नहीं तो कल वो राजी हो ही जाएगी। और हाँ, जहां तक रहा तुम्हारा ये सवाल के मुझे उसमें दिखता क्या है, तो इसका जवाब मैं ना तुम्हें समझा पाऊंगा ना ही तुम समझ पाओगी, क्योंकि वो मेरे और उसके दरमियान का मामला है। मत करो ऐसा, वो तुम्हें सिर्फ बहका रही है और तुम बहक रहे हो। प्लीज आफान, मेरी बात मान लो, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूंगी आफान। If I'm not wrong, तो तुम यही जान कुछ टाइम पहले शरियार भाई पे निछावर करना चाहती थी। प्लीज आफान, तुम अच्छे से जानते हो कि ये सब कुछ मैं अम्मी और खाला के कहने पर कर रही थी, वरना बचपन से आज तक मैंने तुम्हारे अलावा किसी और के ख्वाब नहीं देखे, सिर्फ तुमको चाहा है। तुम भूल गए हो वो दोस्ती जो हमारे दरमियान रही है, मैं तो तब से ही तुम्हें अपना दिल देकर बैठी हूँ। आयमा,
वो बचपन का बचपना था। आज मैं जी और आज की हकीकत ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। और ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम इस घर की बहू बन सकती हो, ख्वाब देखना बंद कर दो। लेकिन मेरी जिंदगी तो सिर्फ तुम हो आफान, प्लीज मुझसे यूं मुंह मोड़ कर मत जाओ, वरना अम्मी मेरी शादी कहीं और करवा देंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आयमा, ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। और प्लीज इस बात को तस्लीम कर लो कि तुम्हारे नसीब में अल्लाह ने मुझे नहीं लिखा है, और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। हेलो, मैं तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी। मुझे यकीन था कि तुम मुझे कॉल करोगे। तो फिर बताओ तुमने क्या सोचा? मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू, लेकिन अब मुझे अफान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैं उससे कोई रابطہ रखना चाहती हूँ। ऐसी बातें मत करो, मुझे पता है तुम थोड़ा सा जज्बाती होकर सोच रही हो ये सब कुछ, लेकिन रिश्तों में ऊंच नीच हो जाती है सिद्रा, और तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी तो करते हो ना। ऐसा जुल्म मत करो, तुम समझाओगी ना तो वो मान जाएगा। जो शख्स खुद मेरा साथ छोड़कर चला गया, वो भी तुम्हारी वजह से, अब कैसे मान सकता है वो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब कर क्यों रही हो, हालांकि तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर हुआ है। वो सब एक गलत फहमी थी जो कि तुम्हारे दिल में पैदा हो गई हमें लेकर, तो कैसी कोई बात नहीं है। और मेरा यकीन करो, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ कि वो अब भी तुम्हें चाहता है, और मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दो प्यार करने वालों के दरमियान मेरी वजह से दरार पैदा हो जाए। क्या तुम सच कह रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, और मैं चाहती भी यही हूँ कि तुम दोनों जल्द से जल्द एक हो जाओ, ताकि मुझ पर जो इल्जामात लगे वो दूर हो जाए। और रही बात शादी की, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी और अफान की शादी मैं करवाऊंगी, बस तुम एक बार अपनी फैमिली के साथ आओ और मम्मी से बात करो। ठीक है, मैं लाती हूँ अपने मॉम डैड को। थैंक यू सो मच, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, खुदा हाफिज। हनी, अब तो मैं घर आ गया हूँ। हाँ ठीक है, इसको कल देख लेंगे। हाँ ठीक है, मुझे ईमेल कर दे, मैं देख लूंगा, एंड आई विल डिस्कस इट इन द मॉर्निंग। हाँ तो ठीक है, आप उनसे क्या दें। ओके, आप ऑफिस से कब आए? बस अभी आया। आपने मामी से बात कर ली? किस बारे में? आप मेरे मुतालिक हर बात भूल जाते हैं। अरे बेबी अडॉप्ट करने की बात कर रही हूँ। एमल, तुम फिर से वही शुरू हो गई। तुम देख रही हो कि मैं भी थका रहा हूँ, ऑफिस से घर आया हूँ। मैं किसी से कोई बात नहीं कर रहा,
घर में पहले टेंशन्स कम है कि तुम टेंशन्स इंक्रीज करना चाहती हो? ठीक है, मैं खुद बात कर लेती हूँ। हेमन, किसी से जाके कोई बात नहीं करोगी, प्लीज? मैं करूंगी। हेमन, क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है शहरयार? ये क्या कह रही है तुम्हारी बीवी? बच्चा अडॉप्ट करना चाह रही है ये। मम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, ये सिर्फ एमल चाहती है। और तुम्हें मैंने समझाया था इसको, ये मेरी एक बात नहीं मानती है। जिद करके यहां आपके पास आ गई है। बात कर ली मम्मी से? खुशी मिल गई आपको इजाजत? मम्मी आप प्लीज मान जाए ना, हम किसी अच्छी फैमिली से बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। मम्मी प्लीज मेरी गोद सुनी मत रहने दें। आप जैसा कहेंगी ना हम वैसे ही करेंगे। मैं जब जब एनी की गोद में उमर को देखती हूँ ना, मेरा दिल कट सा जाता है। मम्मी प्लीज आप मेरी बात मान लें, प्लीज मम्मी मुझ पर रहम करें, प्लीज हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं ना। एमल जस्ट शट अप। तुमसे सबर नहीं हो रहा है क्या? अभी एक ही साल तो हुआ है शादी को और तुम्हें बस अपनी गोद में बच्चा चाहिए, चाहे हम किसी का भी बच्चा खरीद कर ले आए। नहीं शहरयार, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। बस एमल, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अपने कमरे में जाओ। शहरयार मैं समझाती हूँ उसे। देखो एमल, मैं मानती हूँ तुम्हारी शादी को एक साल से ज्यादा हो चुका है, तुम्हारी गोद में बच्चा होना चाहिए जो कि नहीं है, लेकिन तुम अपना इलाज तो करवाओ। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम गोद लेने की बात करती रहो। ध्यान से सुन लो तुम दोनों मेरी एक बात, बच्चा मैं अडॉप्ट नहीं करने दूंगी। मुझे हरगिज गवारा नहीं कि किसी और की औलाद मेरे घर में पले, इसलिए तुम्हारी गोद में मुझे शहरयार का बच्चा चाहिए, समझी? और उस बच्चे की माँ तुम होगी या कोई और, ये तुम दोनों डिसाइड करो।